ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ वीसी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 नवंबर यानी कि सोमवार को क्या निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की परिस्थिति हो सकती है, संभावना हो सकती है और उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानेंगे। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और क्या है कि हम इंडिकेटर पे सीरीज बना रहे, बाद में स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करेंगे। सो आपको कुछ लर्निंग करनी है, कुछ नॉलेज लेना है तो सिंपल सा वे है, इस चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस के डेटा के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे को सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप इस प्राइस पे दिख रहा है जो कि है 12,000। तो मेरा रेजिस्टेंस होगा 12,000 का लेवल। बाद में मैं सपोर्ट की बात करूं तो मेरे को सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप 11,500 पे दिख रहा है। तो ये क्या होगा, मेरा नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो ये हो गए सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात। अब हम जानते हैं निफ्टी कौन सा मूव दे सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो सिंपल सा तरीका, अगर मेरे को कॉल साइड लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुई दिखती है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, लेकिन कॉल साइड मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। बाद में मैं पुट साइड देखता हूँ, अगर मेरे को पुट साइड लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन। तो पुट साइड इधर देख रहा है तो एक प्राइस पे मिल रहा है, एक प्राइस पे नहीं मिला। तो एक पॉइंट है जिसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा मिल रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं मिला है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो ये भी पॉइंट हम इग्नोर करते हैं, लेकिन एडिशनली इसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे। बाद में अगर मैं फिर से कॉल साइड जाऊं, अगर मेरे को कॉल साइड शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मार्केट जाएगा डाउन। तो कॉल साइड देख रहा हूं तो मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मार्केट जाएगा डाउन। बाद में मैं पुट साइड आ जाता हूं, अगर मेरे को इधर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मार्केट जाएगा अप। तो इधर देख रहे तो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है। तो हमने क्या है कि चार पॉइंट देखे, चार में से हमें क्या है कि एक पॉइंट कुछ नहीं मिला, एक क्या है कि थोड़ा मिला थोड़ा नहीं मिला, दो पॉइंट ऐसे मिले जिसमें से एक अपसाइड मिला एक डाउनसाइड मिला। तो इन सिंपल में देखूं तो मार्केट अनडिसिजनल रह सकता है लेकिन डाउनसाइड जाने के चांसेस ज्यादा है, ये बात याद रखना है। अनडिसिजनल रह सकता है लेकिन डाउनसाइड जाने के चांसेस ज्यादा है। तो ये हो गया निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर। इसमें भी सेम रहेगा, कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कॉल साइड देख रहा हूं तो मेरे को इस प्राइस जो है 31,500 वहां मेरे को सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप दिखा और उसी प्राइस पे मेरे को चेंज इन ओआई भी सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस, एक क्या है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये वर्क कर सकता है। बाद में हम देख लेते हैं पुट साइड। तो पुट साइड मेरे को क्या है कि इस प्राइस जो है 30,500 वहां मेरे को सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरे सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो ये हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी हम मार्केट का एक मूव जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कॉल साइड देखूं, अगर मेरे को कॉल साइड लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मार्केट जाएगा अप, लेकिन मेरे को कोई लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप नहीं दिख रही। बाद में मैं पुट साइड आ जाता हूं, अगर मेरे को इधर लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मार्केट जाएगा डाउन। मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप दिख रही है लेकिन इसमें भी सेम है, एक पे मिल रहा है एक पे नहीं मिल रहा, सडनली एक साथ नहीं मिल रहा, तो मैं इसको एक पॉइंट रखूंगा, लास्ट में हम इसको ऐड करेंगे। बाद में मैं फिर से कॉल साइड आ जाता हूं, अगर मेरे को इधर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मार्केट जाएगा डाउन। तो इधर मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मार्केट डाउन जाने के चांसेस है। बाद में मैं पुट साइड आ जाता हूं, अगर मेरे को इधर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मार्केट जाएगा अप। तो मैं इधर देख रहा हूं तो इधर मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मार्केट अप जाने के चांसेस है। तो बाद में हम क्या है कि सब मिला के देखते हैं, एक पॉइंट में से कुछ नहीं मिला, एक पॉइंट डाउन का मिला एक पॉइंट अप का मिला। तो इन सिंपल हम कुछ लास्ट डिसीजन निकाले तो मार्केट मंडे अनडिसिजनल टाइप रह सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं और निफ्टी भी सेम है कि मार्केट अनडिसिजनल रह सकता है लेकिन डाउन साइड जाने के चांसेस है। तो ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। डाउन ट्रेंड के थोड़े चांसेस दिख रहे, अब देख लेते कहां हमारे सपोर्ट है कहां हमारे रेजिस्टेंस है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अब हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते, बाद में मंडे का क्या होगा वो देखते। तो आज क्या हुआ, मार्केट रेड में ओपन हुआ, वही हुआ, रेड में ओपन होने के बाद नीचे गया, थोड़ा इधर रिट्रेस किया, बाद में नीचे चला गया, बाद में ये सपोर्ट लाइन के आसपास ही कहीं पे पड़ा रहा है। तो ये हो गया आज की बात, लेकिन अभी मंडे क्या हो सकता है वो देख लेते। तो मंडे आई थिंक मार्केट क्या है कि फ्लैट ओपन हो सकता है या तो डाउन साइड ओपन हो सकता है, मोस्टली फ्लैट ओपन होने के चांसेस ज्यादा है। अगर ये मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं क्या होता है कि पहले डाउन ट्रेंड
ट्रेंड ही सोचूंगा, मेरे को लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा और नीचे जा सकता है, तो बाद में अगर ये क्या है कि फ्लैट या डाउन साइड ओपन हुए तो मैं क्या है कि नीचे की ओर देखूंगा। अगर ये मेरे को थोड़ा नीचे जाके इस लाइन के आसपास जो मेरी सपोर्ट लाइन है वो 11,900 है, अगर उसके रिट्रेस करके फिर से 11,900 के कुछ रिवर्सल दिखा के नीचे जाने के चांस देते हैं तो मैं इसमें शॉर्ट करूंगा। अगर ये मार्केट ग्रीन में ओपन हुआ मंडे और क्या है कि हमारी जो ये रेजिस्टेंस लाइन है वो 11,950 के आसपास है, अगर ये इधर से भी शॉर्ट के सिग्नल देता है तब भी मैं शॉर्ट में आऊंगा। अगर मेरे को निफ्टी में बाय करना है तो मैं कब करूंगा, तो अगर ये मेरी सपोर्ट लाइन है जो 11,850 के आसपास है, अगर मेरे को इधर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाता है तब मैं इसमें बाइंग में आ सकता हूँ। मंडे मेरा मेन पॉइंट होगा वो सेलिंग का होगा, अगर मेरे को ये रेजिस्टेंस लाइन के आसपास से मिल गया, अगर थोड़ा नीचे जाके ये रिट्रेस करके मेरी सपोर्ट लाइन के आसपास मिल गया तब मैं इसमें सेलिंग में आऊंगा। सपोर्ट लाइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी ये सपोर्ट है इसीलिए। बाद में मैं इसमें बाइंग में कब आऊंगा, ओनली वन पॉसिबल चांस है कि मैं बाइंग में आ सकूं, वो क्या है कि वो 11,850 का जो लेवल है उस पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन दिखाए तब मैं इसमें बाइंग में आ सकता हूँ। ये हो गए निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में कौन से सपोर्ट होंगे, कौन से उसके रेजिस्टेंस होंगे। तो अब हम आ चुके बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते बाद में मंडे का देखेंगे। तो आज क्या हुआ, वैसे ही जो निफ्टी में था डाउन ट्रेंड, बाद में थोड़ा रिट्रेस करके नीचे आ गया। देखो मैंने बोला था इस जोन के आसपास मेरे को मिल सकता है तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा ही लगा कि ये रिट्रेस करा, मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट नहीं मिले तो इसमें मैं बाइंग में इधर से नहीं आया। तो आपको देखना पड़ता है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है या क्या है कि रिट्रेस है, अगर रिट्रेस है तो आपको नहीं लेना है। तो ये मेरे को रिट्रेस टाइप लगा तो मैं इसमें क्या है कि बाइंग में नहीं आया था, सेलिंग ही हमारा आज का पूरा दिन रहा है। तो देखते हैं अभी मंडे क्या हो सकता है। तो मंडे मार्केट क्या है कि फ्लैट ओपन हो सकता है या डाउन में ओपन हो सकता है, ये मोस्ट प्रोबेबली चांस है। तो देखते हैं मंडे क्या होता है। अगर ये मंडे मेरे को फ्लैट ओपन हुआ दिखा और थोड़ा नीचे जाके चलो मान लेते कि इधर कहीं से रिट्रेस होके इस लाइन के आसपास जो 31,100 है वहां से फिर से नीचे जाने के साइन देता है तब मैं सेल में आऊंगा। अगर ऊपर चला जाता है मंडे मार्केट ओपन होकर ऊपर चला जाता है तब मेरे जोन में आएगा जो है रेजिस्टेंस जोन। अगर ये जोन के आसपास मेरे को मिला शॉर्ट के लिए तो मैं शॉर्ट करूंगा। ये जो जोन है वो 31,250 से लेकर 31,200 का है। तो ये हो गए मेरे दो सेलिंग ऑप्शन, इसमें मैं बाइंग कब में आऊंगा। अगर ये मेरे को 30,900 के आसपास से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाता है तब मैं इसमें बाइंग में आऊंगा, अदरवाइज मैं सेलिंग ही रहूंगा। तो ये हो गए बैंक निफ्टी में हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखना पड़ता है क्या होता है क्या नहीं, अगर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास से रिवर्सल दे रहा है तब आप उसमें बाय या सेल कर सकते हैं, जो भी हो, बाय हो तो बाय, सेल हो तो सेल। तो ये हो गया हमारी ओर से निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। बाद में हमने क्या किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, मंडे के कौन से सपोर्ट होंगे कौन से रेजिस्टेंस होंगे और डिस्कस किए। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पांस मिला तो प्राइस एक्शन भी ऐड करेंगे। अगर आपको लर्निंग करना है, कुछ जानना है तो सिंपल तरीका है, आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।